नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम आपके लिए एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपर्ट टॉक्स। इस शो में हम स्टील इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न एक्सपर्ट्स से बातचीत करेंगे और उनकी जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उससे लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे। तो इसी शो के तहत आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं वे हैं श्री अश्विनी कुमार। ये जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के भूतपूर्व PGA हेड हैं। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए इन्होंने जिंदल स्टील की गुणवत्ता को एक नए आयाम तक पहुंचाया। यूं तो इन्हें बहुत सारे क्षेत्रों पर महारत हासिल है, लेकिन आज जो हम इनसे बातचीत करेंगे वो TMT के बारे में बातचीत करेंगे। TMT जिसे हम आम भाषा में सरिया बोलते हैं और ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, तो हम TMT के बारे में आज इनसे खास बातचीत करेंगे। तो श्री अश्विनी जी, स्वागत है आपका हमारे शो में और हम आभारी हैं कि आप अपने व्यस्त रूटीन के चलते भी हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर, स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये जो TMT शब्द है ये मेरे हिसाब से करीब 20-22 साल पुरानी टर्म है, क्योंकि इससे पहले जो हम सरिये के लिए वर्ड यूज करते थे वो टॉर स्टील यूज करते थे। तो टू स्टार्ट विद हम ये जानना चाहते हैं कि ये टॉर क्या था और TMT क्या है। अच्छा, टॉर स्टील एक तरह से ब्रांड नेम था, ठीक है, जिसको लग्जमबर्ग की कंपनी थी वहां से ये निकल के आया था। तो टॉर तो एक तरह से ब्रांड का नाम था कि टॉर स्टील। वैसे इसको बोला जाता था कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार, CTD बार, जिसका पर्पज ये था कि हम उसको कोल्ड कंडीशन में एक बार को ट्विस्ट करके उसमें रिप पैदा करके और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते थे। तो कोल्ड डिफॉर्म्ड बार, इसलिए उसका नाम पड़ा CTD बार। और उसकी परेशानी ये थी कि उसमें केवल स्ट्रेंथ बढ़ती थी और उसकी डक्टिलिटी नहीं बढ़ती थी। डक्टिलिटी मतलब जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, लचीलापन स्टील में, जो हमारे आज की डेट में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील के लिए जरूरी था उस समय। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये प्रोसेस निकल के आया, जो बाद में हम लोगों ने जिसका नाम दिया TMT प्रोसेस। TMT इज ए प्रोसेस, जैसे उसका पूरा फुल फॉर्म हुआ थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस का मतलब यह था कि यूजिंग दी हीट थर्मल, उसकी हीट से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो उसमें दोनों चीजें आ गई, स्ट्रेंथ भी आ गया और डक्टिलिटी भी आ गई। तो स्ट्रेंथ प्लस डक्टिलिटी दोनों मिला के जब इसको बनाया गया तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी CTD बार से ऊपर चली गई। और वहां आज की डेट में हम लोग करीब, ये जैसा आपने कहा कि 20-25 साल पुराना है, तो यहाँ पर बेल्जियम से ये आई थी करीब 1985-90 के बीच में। और फिर धीरे 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 जो स्टील पहले बनती थी CTD बार के थ्रू, वो सारी चीज के सारी अब बनती हैं TMT प्रोसेस से। थोड़ा बहुत अभी भी कहीं कहीं उसी कोने में CTD बार वाले मौजूद हैं, बट वो इतने नहीं है उनको आप किसी डेटा में रिकॉर्ड करके करें। तो आज जो भी आपको रास्ते में या कहीं पर भी TMT मिलेगा, वो पूरा पूरा आपको रीइंफोर्समेंट बार थ्रू TMT प्रोसेस, दैट इज थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, दैट्स राइट। अच्छा, मैं जैसे हम अभी मतलब एज अ लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं जैसे मैं अगर किसी डीलर शॉप पे जाता हूँ, सरिये की दुकान पे जाता हूँ, तो वो मेरे को दो तरह का सरिया दिखाता है। वो बोलता है ये लोकल है और ये ब्रांडेड है या कंपनी का है, वो बोलता है देसी लैंग्वेज में। तो बेसिकली मतलब क्या फर्क है दोनों में? अब लोकल वर्ड तो ये है कि वो उसके जिस शहर में आप हैं, इसलिए उस शहर के आसपास का जो प्रोडक्शन होगा उसको वो लोकल बोल देता है। और ब्रांडेड में ये है कि तो अब आप स्टील इंडस्ट्री को दो भाग में डाल सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर और एक को कहते हैं सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें कि प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर हम किसको कहते हैं और सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर किसको हम कहते हैं, प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि स्टील को हम आयरन ओर से बनाते हैं, स्टील फ्रॉम आयरन ओर। आयरन ओर का मतलब कि जो बेसिक मटेरियल है वहां से हमने जो स्टील बनाई उसको हम स्टील फ्रॉम आयरन ओर बोल के उस प्रोसेस को हम प्राइमरी स्टील मेकिंग में बोलते हैं। और स्टील से जो स्टील बना उसको हम सेकेंडरी स्टील मेकिंग बोलते हैं। तो अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर और सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि एक कंपनी जो है स्टील
से स्टील बना रही और एक कंपनी स्टील से आयरन ओर बना से स्टील बना रही। तो इन दोनों के जो डिफरेंस हैं इनकी वजह से उनको हम प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर और सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर के कैटेगरी में डाल दिया। और लोकल इसलिए बोला गया कि वो सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर हैं, उनके आसपास जो उनका प्रोसेस है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा स्क्रैप यूज करते हैं और स्क्रैप यूज करके उसी स्टील को दोबारा गला के निकालते हैं, तो वहां पर जो उसकी गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो डाउटफुल रहती है। किस चीज का स्क्रैप था, किस चीज से बना और उसमें क्या प्रोसेस लगा। तो जो स्टील मेकिंग के तीन प्रोसेस हैं, एक है कन्वर्टर रूट जिसको हम बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस बोलते हैं, दूसरा है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बनती है, और तीसरा इंडक्शन फर्नेस है वो भी इलेक्ट्रिसिटी। और वो ये तीन प्रोसेस से मिलके आज के डेट में हमारा 35 से 40 मिलियन टन का प्रोडक्शन है सरिया का, जिसको रीइंफोर्समेंट बार या टीएमटी बार एक कॉमन लैंग्वेज में आया। अब उस 35-40 मिलियन टन में 60% का रूट जो है सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर के हाथ में है और 40% है प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर में जैसे नाम है जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी और आरआईएनएल, ये लोग पांच लोग मिलकर करीब 40% इनका प्रोडक्शन है जो इसमें है। तो और सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर में दो रूट है, एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वाला रूट है छोटी कंपनियों का और एक है इंडक्शन फर्नेस वाला है। इंडक्शन फर्नेस की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा उन्हीं का प्रोडक्शन होता है, 42 मिलियन टन उनके हाथ में कैपेसिटी है और करीब 15 से 20 मिलियन टन के बीच में वो उस प्रोसेस से आता है। इंडक्शन फर्नेस की जो परेशानी है वो ये है कि वो स्क्रैप ही मैक्सिमम यूज करते हैं, स्क्रैप कहां से आया इसकी कोई वो जो आप कहते हैं जो पूरे मटेरियल को डिफाइन करता है उसका नंबर है IS 1786 जो सरिया को BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकेशन दिया है। तो उसमें 1786 में तीन एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, एक कार्बन, एक सल्फर और एक फास्फोरस, और ये तीनों की एक मैक्सिमम वैल्यू दी गई है कि इससे ज्यादा ना कार्बन होना चाहिए, ना सल्फर होना चाहिए, ना फास्फोरस होना चाहिए। तो ये जो तीन एलिमेंट है इसमें दो तो बहुत नुकसान वाले हैं, सल्फर और फास्फोरस, जिनका रोल ये है कि अगर सल्फर ज्यादा है तो अगर घर में आग लग जाती है तो उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन का नीचे हो जाता है और वो जल्दी से जल्दी टूट जाता है, सल्फर का ये हाँ। और फास्फोरस का यह है कि जहां ठंडा होगा, कोल्ड शॉर्टनेस, वहां ठंडे में वो टूट जाता है। तो सल्फर और फास्फोरस को कंट्रोल करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर उसको कंट्रोल करने के लिए एक जो रिफाइनिंग प्रोसेस है जहां पर हम सल्फर और फास्फोरस रिड्यूस करते हैं वो इन सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स के पास नहीं है। जब उनके पास नहीं है तो ना सल्फर कंट्रोल हो पाता है ना फास्फोरस कंट्रोल हो पाता है, तो वो कहां से कहां लेके चला जाता है उसका कोई जजमेंट नहीं है। तो जब सल्फर और फास्फोरस दोनों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो इसलिए वो सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर की स्टील की क्वालिटी का हमेशा एक डाउटफुल रहता है। इसीलिए वहां पर 1786 में एक क्लॉज भी दिया हुआ है, स्क्रैप वही यूज करिए जिसकी मेटलर्जिकल हिस्ट्री मालूम हो कि वो किस चीज का था। अगर बिल्डिंग से निकल के आया है तो था, या शिप से टूट के आया है, या कार का गियर बॉक्स से टूट के आया है, तो अगर मेटलर्जिकल हिस्ट्री आपको मालूम हो गई तब तो आप स्क्रैप यूज करेंगे तो आपको क्वालिटी कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर जहां पर स्टील से स्टील बना है वहां पर आप क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते। और प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर के पास क्या है कि सारे चेक्स हैं हर स्टेज पे, आयरन मेकिंग स्टेज पे चेक है, स्टील मेकिंग के चेक है, तो उनका पता है कि हमारा सल्फर इतना है, फॉस्फोरस इतना है, और हमारे पास जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उससे हम उससे सल्फर और फास्फोरस रिड्यूस करते। लेकिन सर हम जब बात करते हैं दुकानों पे जाके तो रेट में बहुत ज्यादा फर्क है, कम से कम 5-6 रुपए का रेट का डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी जो कंपनी के लोग हैं वो ये क्लेम करते हैं कि भी नहीं हमारा स्टील सस्ता पड़ता है। जैसे अगर आपने घर बनाना है, अगर आपने 100 गज का बेसिकली घर बनाना है तो वो बोलते हैं कि नहीं आप इसमें जो आप स्टील यूज करोगे वो सरिया यूज करोगे वो कम यूज होगा, तो ऐसा कुछ है क्या सर? अब आई बात की जो हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का मटेरियल
में कम यूज होता है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि डायमेंशनल कंट्रोल, एक वो भी है कि आपने 12 मिलीमीटर का सरिया खरीदा है तो 12 मिलीमीटर उसका डायमेंशन है कि नहीं है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम हो सकता है, 12 मीटर की लेंथ होती है। तो जो सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर के रोलिंग मिल्स हैं वहां पर डायमेंशनल कंट्रोल नहीं हो पाता तो सरिया जो है हेवी हो जाता है। और जहां हम लोगों का सवाल है प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर का, वहां पर जो टेक्नोलॉजी आई है, जैसे 1,000 करोड़ के मिल्स लगे हुए हैं इन बड़ी कंपनियों में, तो यहाँ पर डायमेंशनल कंट्रोल अगर 12 मिलीमीटर का है तो उसमें प्लस माइनस बहुत ही कंट्रोल्ड आपका रहता है। तो नंबर ऑफ पीसेस अगर आप जब डिफाइन करने जाएंगे, एक तो वो रीजन हो जाता है कि जो डायमेंशनली कंट्रोल्ड है जिसके वजह से सरिया आपका नंबर ऑफ पीसेस कम होता है। दूसरा उसका यह है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज जो हम लोग बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि 550D या 500D, तो हम 550D में ही उसको बनाते हैं। और 550D में तो जो हमारे मटेरियल को डिजाइन करता है, अगर डिजाइनर अगर डिजाइन करता है तो उसको मालूम है इनका स्टील सही है तो वो उसी हिसाब से डिजाइन करता है, तो उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो बहुत कम रखता है। मान लीजिए 100 टन की जगह वो फैक्टर ऑफ उसको यूज करना है तो 110 टन की फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेगा कहीं गड़बड़। और जब उसको ये पता है कि यहाँ पर ये लोग लोकल यूज कर लेंगे सेकेंडरी मटेरियल, तो उसका वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा देता है। तो जो हम लोग प्रोपोगेट करते हैं कि भाई आप अगर प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर से लेंगे और डिजाइनर आपका अच्छा है तो आप डिजाइन करिए, तो आपको सरिया जो है कम लगेगा खर्चे में। सो एक डिजाइन जैसे कुछ घर प्लेन्स में बनते हैं और कुछ घर ये माउंटेन्स में बनते हैं, या जो क्या कहते हैं आपको प्रोन एरियाज हैं, तो उसके लिए क्या अलग अलग सरिया रेकमेंड करते हैं? इसीलिए अगर आप देखेंगे IS स्पेसिफिकेशन में दो वर्ड आते हैं, एक आएगा 500 और एक आएगा 500D। एक जगह लिखा होगा 550, एक जगह लिखा होगा D, 550D। D स्टैंड्स फॉर डक्टिलिटी, जिसका मटेरियल डक्टिलिटी ज्यादा होगी वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो जब अगर अर्थक्वेक आएगा तो मटेरियल मूव करेगा और इतना देर उसको आपको टाइम मिलेगा कि आप सारे आदमियों को आप निकाल सकते हैं और वो मटेरियल ब्रेक नहीं करेगा। जो माउंटेन पे जो है वो डी वाला ही यूज होता है, वहां पर तो मैंडेटरी है कि डक्टिलिटी, उसीलिए उसको सिस्मिक जोन में भी जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, तो कहीं कहीं आप देखेंगे उसमें लिखा होगा EQR अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील, तो वो अभी पॉसिबल है जब आप उसको डक्टाइल मटेरियल बना देंगे। तो डक्टिलिटी को डिफाइन करने के लिए IS स्पेसिफिकेशन में एक वर्ड है परसेंट एलोंगेशन में दो अलग अलग मिलेंगे आपको, एक 16% मिलेगा, एक 14% मिलेगा। तो जहां डी है वहां पर आपको हायर एलोंगेशन मिलेगा, जहां डी नहीं है वहां पर आपको लोअर एलोंगेशन मिलेगा। तो अगर आपको माउंटेन में बनाना है या हाई राइज बिल्डिंग बनाना है जहां अर्थक्वेक सिस्मिक जोन का एरिया है, वहां तो आपको मैंडेटरी डी ग्रेड ही यूज करना चाहिए। और जहां आप एक तल्ला दो तल्ला प्लेन में बना रहे हैं जहां पर लोड नहीं है ज्यादा और जहां पर आपको अर्थक्वेक का नहीं, वहां आप प्लेन डी ग्रेड विदाउट डी यूज कर सकते हैं। सर ये जो लचीलापन है सरिये में, ये कौन से एलिमेंट से डिसाइड होता है? ये लचीलापन जो डिसाइड होता है, ये प्रोसेस जो TMT आया है, थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसके प्रोसेस ऐसा है कि जब आप रोलिंग करते हैं तो इसमें आउटर लेयर पे बहुत ही फोर्स के साथ वाटर आता है जिसको हम क्वेंचिंग कहते हैं। सो क्वेंचिंग का पहला TMT में क्वेंचिंग है, जो एक वेरी हाई टेम्परेचर पे, जैसे 1050 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरिया चल रहा है, उसके ऊपर बहुत ही फोर्स से पानी गिरा तो एकदम से वो नीचे आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि मार्टेनसाइट बन गया। तो 1000 से लेके 200 डिग्री पे आके तो उसका जो लेयर है, लेकिन अंदर अभी भी वो गर्म है क्योंकि आपने पानी मारा तो बाहरी है लेकिन अंदर वो गर्म है। फिर उसको इसको कहते हैं क्वेंचिंग, और उसके आगे का प्रोसेस है टेम्परिंग, जिसको हम कहते हैं सेल्फ टेम्परिंग। तो जो अंदर की हीट है वो उसको बाहर भेजता है, और बाहर और अंदर का हीट तो वो फिर वापस रिबाउंड होके एक टेम्परेचर आ जाता है। तो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पर्लाइट, मतलब छोटे छोटे पर्लाइट, जैसे मोती का होता है छोटा छोटा पर्लाइट फॉर्म हो जाता है। और आउटर लेयर जो है वो ऑलरेडी हार्ड है,
तो वो मार्टेनसाइट कहता, और जब ये इसको सेल्फ टेम्पर होके तो टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, तो टेम्पर्ड मार्टेनसाइट आपको हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, और अंदर का जो है कोर, उस कोर को हम लोग सॉफ्ट कर देते हैं थ्रू परलाइट, तो कोर जो है वो डक्टिलिटी दे देता है और बाहर का लेयर जो है वो आपको स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्लस डक्टिलिटी इज थ्रू दिस टीएमटी प्रोसेस, थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट, इसीलिए नाम दिया गया। और दूसरा जो बड़ी कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं कार्बन को कम करती है, कार्बन को कम करके इस प्रोसेस से रोलिंग में, तो रोलिंग या तो आप केमिस्ट्री के थ्रू स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए या आप रोलिंग पे, तो हम लोगों के जो रोलिंग मिल्स हैं वो बड़े हाई पावर्ड है। हम लोग क्या करते हैं, बिलेट जो लेते हैं वो 165x165 लेते हैं, 150x150, तो हमारा डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, तो 165 से अगर हम 20 मिलीमीटर ला रहे हैं या 12 मिलीमीटर ला रहे हैं तो हमारा डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, तो जो कास्ट स्ट्रक्चर है उसको जो हम तोड़ते हैं तो वो इतने स्ट्रक्चर में छोटा टूट जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है रोलिंग मिल से आ जाती है, और वाटर क्वेंचिंग से उससे हम वहां पर कंट्रोल कर लेते हैं डक्टिलिटी, और इस दोनों प्रोसेस को मिला के आपको कार्बन भी कम कर लिया, तो नेचुरली जब कार्बन कम होगा तो उसमें डक्टिलिटी इंप्रूव कर जाती है, हायर द कार्बन हायर द स्ट्रेंथ बट लोअर द डक्टिलिटी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन उसी प्रोसेस में और कार्बन के कंट्रोल से हो जाता है। तो कार्बन सल्फर फॉस्फोरस तो निकालना पड़ता है, सल्फर फॉस्फोरस कार्बन को कम कर लेते हैं और इधर रोलिंग मिल पे प्रेशर डाल के और वाटर क्वेंचिंग मेथड से, और उसके बाद टेम्परिंग, सेल्फ टेम्परिंग, और फिर हमारा जो कूलिंग बेड होते हैं बड़े लंबे होते हैं और थोड़े हाइट पे रहते हैं, तो जब हाइट पे रहते हैं तो जो एयर का सर्कुलेशन है वो पूरा पूरा मिल जाता है, तो एटमॉस्फेरिक कूलिंग में पूरे चारों तरफ बॉडी के वो कंट्रोल करके तो पूरा यूनिफॉर्म मिलता है, इसीलिए प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर का मटेरियल हमेशा बेटर होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी प्रोड्यूसर। लेकिन सर ये टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लाइक यू आर एन एक्सपर्ट, आप जानते हैं इस बारे में, लेकिन एज अ कॉमनर अगर मैं दुकान पे जाता हूँ, सरिया की दुकान पे जाता हूँ, टीएमटी शॉप पे जाता हूँ, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये जो सरिया है वो अच्छी क्वालिटी का है, सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर का है या प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर का है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? एक तो उस पर जो ब्रांड नेम लिखा रहता है, अगर आपको ब्रांड नेम पता है तब तो ब्रांड से पता लग जाएगा कि ये ब्रांड, जो लोकल ब्रांड है वो भी बहुत सारे हैं, उनको भी मतलब अच्छा बताते हैं जो डीलर हैं, लाइक कोई टेस्ट सर्टिफिकेट रहता है क्या आपका वहाँ पे डीलर? पहले तो एक तो सरिया के ऊपर एक आप ब्रांड से देख सकते हैं, दूसरा रिप्स होते हैं, रिप भी इम्पोर्टेंट है, अगर रिप टाइट है, रिप का हाइट ठीक है तो आपको रिप पे, जैसे आप नॉर्मल आदमी है अगर वो जा रहा है तो उसकी जो एजुकेशन है वो केवल रिप्स पे है, रिप देख के वो बता सकता है कि अच्छी कंपनी का है या नहीं, क्योंकि अगर वैसे होता तो हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से रिप बनता है, एक कास्ट आयरन का वो बनाते हैं जो ढांचा, और दूसरा बनाते हैं टंगस्टन कार्बाइड का, तो जो टंगस्टन कार्बाइड का जब वो मारता है उसके ऊपर सरिया के राउंड पे, तो वो जो निकल के उभर के आता है वो बहुत सॉलिड होता है, उसको आप ऐसे इजिली नहीं, लेकिन ये जो लोकल मेड होता है कास्ट आयरन, ये तो कास्ट आयरन है तो वैसे ही हार्ड हो तो इसका घिसने लगता है, एक तो ये आप तरीका ब्रांड से अगर आपको पता है तो, और दूसरा उसके रिप्स से, यही चीज से आप बाहरी सतह से आप पता लगा सकते हैं, बाकी नॉलेज है कि आप जा रहे हैं तो वो तो बेचने वाला तो बोलेगा ही कि भाई हम तो जाने के टाइम में, अगर हम इसीलिए ब्रांडिंग का आज के टाइम में ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट, तो बड़ी बड़ी कंपनी नहीं, तो आज से आप 30 साल पहले 25 साल पहले जब हम लोग, मैं स्टील अथॉरिटी में काम करता था उस समय, कभी हम लोग एडवर्टीजमेंट, स्टील के एडवर्टीजमेंट के बारे में बात ही नहीं करते थे, वो हम मानते थे हमने बनाया स्टील तो कॉमन आदमी लेना ही लेना हो तो लेके जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ कि अवेयरनेस लाने के लिए आज के डेट में हमको सबसे ज्यादा जागरूक करना है लोगों को, इसलिए नहीं कि आप खराब सरिया यूज करें, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आप 8 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, 12 स्टोरी बना रहे हैं, 20 स्टोरी बना रहे हैं, 50 स्टोरी बना रहे हैं, तो वहां आप नॉर्मल स्टील नहीं यूज कर, वहां बड़ा सिलेक्टिव स्टील यूज करना पड़ेगा, तो नॉलेज आपको चाहिए चाहिए जब आप खरीदने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग का काम चालू किया कि ब्रांड बताओ और ब्रांड को पॉपुलराइज करो, तो इस तरह से आपको केवल नॉलेज से ही उसमें है, बाकी बाहर से तो फिर आप उसके जो वजन है, वजन से आप देख लीजिए कि एक पीस में कितना वजन आता है, ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, तो नेचुरली अब उसके बाद जो एक आपने वर्ड बोला कि टेस्ट सर्टिफिकेट,
अब टेस्ट सर्टिफिकेट तो हर मटेरियल का आज की डेट में, जब से ये स्टील क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लगा है 2012 में, तब से तो ये मैंडेटरी हो गया कि कोई भी स्टील बिना सर्टिफिकेट के BIS के बाहर निकल ही नहीं सकता। तो 786 तो हर स्टील पे ठप्पा भी मिलेगा आपको, स्टील के ऊपर ही मिल जाएगा, उस पर 8 मिलीमीटर भी लिखा होगा और IS का मार्क भी होगा। तो स्टील तो BIS के सर्टिफिकेट से ही जा रहा, और जो टेस्ट सर्टिफिकेट कागज मिलता है उसमें कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, परसेंट इलांगेशन एंड टोटल इलांगेशन, ये 5-6 आइटम रहेगा। लेकिन वो सबके समझ में नहीं आएगा कि अगर कोई कॉमन आदमी जा रहा है वो देखेगा हाँ भाई कार्बन इतना है, तो कार्बन तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, जैसे 0.25% कार्बन है अलाउड, तो उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। YS अगर 550 लिखा है तो उससे कम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए टेस्ट सर्टिफिकेट तो एक आपका डॉक्यूमेंट है, वो ये बता देगा किस कंपनी का है और उसका YS अगर 550 है तो कितना है। अब जैसे आज के डेट में आप देखें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, वो लोगों ने एक नया वर्ड यूज किया, इसी के अंदर भी उन्होंने निकाला कि हमको UTS बाई YS रेशियो जो BIS में दिया है 1.1% जीरो, उसको वो कहते नहीं मुझे 1.15 चाहिए, इसका मतलब मुझे और भी ज्यादा लचीलापन चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में शॉक्स बहुत आते हैं, तो जहां पर भी आपको शॉक्स आते हैं वहां पर आपको ये यूज करना ही पड़ेगा डी ग्रेड। तो उन लोगों ने अपनी स्पेसिफिकेशन के अंदर भी अपना स्पेसिफिकेशन बना रखा है जिससे कि कंट्रोल्ड रहे, सल्फर फास्फोरस को भी वो और नीचे लेके आ गए। तो आप समझिए जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है लोगों में कि अब हमको क्वालिटी स्टील यूज करनी है, भले हमको 2,000-3,000-4,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन हमारी लाइफ बिल्डिंग की या जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी घर तो देखो लाइफ में एक बार ही कल ही आज ही बनाना और कल गिरा देना है, तो लॉन्ग टर्म ये है। अब दूसरा देखिए, अब और भी जागरूकता बढ़ती जा रही कोस्टल बेल्ट में, कोस्टल बेल्ट जहां पर कोरोजन होता है वहां पर कोरोजन रेजिस्टेंट की बात होने लगी। आपके लुधियाना में ही वो ज्योति वाले जिंक कोटेड उन्होंने निकाला कि कोरोजन को, लेकिन वो क्या है बाहर से जिंक कोट करते हैं, और हमने क्या किया कि एक अंदर ही मटेरियल कॉपर क्रोमियम डाल के उस मटेरियल में कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज इंप्रूव करी, जिससे कि जहां पर कोस्टल बेल्ट है या जहां पर बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट है या बर्फ ज्यादा पड़ती है और वहां पर कोरोजन होने की चांसेस है, रस्ट लग गया या जंग लग गया, तो उसके लिए भी एक नई स्टील निकल के आई। तो धीरे धीरे पहले क्या होता है, जैसे आपने कहा ना पहले टॉर स्टील CTD बार बना, मिला, लगाया उसको सरिया में, फिट किया बिल्डिंग में और सीमेंट कॉन्क्रीट में डाला और लगा दिया स्लैब बना के। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई, डिजाइनर्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, तो अब बड़ी डिजाइन भी सटीक होती है और आपका लाइफ भी इंप्रूव होता है। तो अभी आप जो है आज की डेट में अगर देखेंगे तो अब TMT भी एक तरह से वो कॉमन प्रोडक्ट नहीं रहा कि रह गया कि चलो भाई जो ले आओ, अभी कस्टमर भी जाता है उसको भी, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर तो ठीक है वो तो एक बिजनेस मॉडल है, लेकिन वहां पर लोग जाते हैं मन बना के कि हमें सेकेंडरी खरीदना है, लेकिन अगर वहां पर हम जैसे लोग बैठे हुए हैं जागरूक करने के लिए, इसीलिए हमने बहुत सारे सेमिनार किए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किए और पैम्पलेट बनाए, ब्रांडिंग किया कि लोगों को पता लग जाए, सारे डिजाइनर्स को मिलके उनको भी बताया गया कि भाई आप जब डिजाइन करें तो वहां नीचे लिखें कि प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर या गुड क्वालिटी ऑफ स्टील यूज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है वो हमारे दर्शक जो है रियल लाइफ में उसे यूज करेंगे, और जब TMT खरीदने जाएंगे तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो आपने बताई है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, एंड आपको भी धन्यवाद कि आपने समय निकाल के इस सब्जेक्ट को उठाया है। अब इसको कितने लोग उसको फॉलो करते हैं आपके एरिया में, और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट की बहुत जरूरत है आज की डेट में। स्टील को अब हमको उसको एक प्रोडक्ट की तरह समझना पड़ेगा, ना कि कमोडिटी की तरह समझना होगा। जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्वालिटी चेक करते हैं, बर्तन खरीदने जाते हैं चेक करते हैं, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। तो ऐसे काम के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली ये जो शो है ये शुरू इसलिए किया है कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको जो जानकारी है, उनकी जो नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है,
उनसे हम बातचीत करके आम दर्शकों तक पहुंचाए, और जो हमारी कम्युनिटी है, स्टील कम्युनिटी है, लेट अस मेक इट स्ट्रॉन्गर. दैट इज द सोल पर्पज ऑफ दिस शो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.